जय हिंद दोस्तों, यूएन सिंह मास्टर क्लास फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका है। जैसे हमारा टारगेट था कि सर कैसे 90 प्लस मार्क्स मैथ में लाना है, तो उसका आपने एक मैट्रिक्स जैसे वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने वैसे ही एक न्यू टॉपिक जैसे डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर से आज हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसके साथ में ये क्वेश्चन भी करते चलेंगे कि सर एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को इतने अच्छे से आप पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए कि आपका ये डिटरमिनेंट नाम का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है जिससे आपको डर लगता है, इससे आपका डर यहां से समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही थी सर हमने मैट्रिक्स को पढ़ा दिया, हमने कहा कि मैट्रिक्स में कि बउआ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने कहा कि सर संख्या के जो आयताकार संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुनिएगा, संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को क्या बोले थे, मैट्रिक्स कहते थे, जिसमें आप संख्याओं को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे थे। लेकिन अब सिस्टम कुछ अदर होगा, यहां से जब आप संख्याओं को वर्गाकार रूप से लिखते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। फिर से मेरी बात को समझिएगा, जब हम संख्याओं को वर्गाकार रूप से लिखते हैं यानी स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो जो शेप हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। यानी जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है संख्याओं के वर्गाकार संरचना को डिटरमिनेंट कहते हैं, एकदम नॉर्मल सा बात है सर। अब बात हो रही है सर कि हम तो ये समझ गए सर डिटरमिनेंट को कैसे पहचानेंगे कि हम यहां डिटरमिनेंट दिया है, तो याद रखना हुआ बेसिकली डिटरमिनेंट को ये मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। भला मॉडुलस रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहां पे मॉडुलस की कोई प्रॉपर्टी यहां लागू नहीं होती है। तो जैसे यहां समझने की कोशिश करते हैं कि सर डिटरमिनेंट किसका निकलता है, सर सभी चीज का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो नहीं सर, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी सर, डिटरमिनेंट किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। तो अब क्वेश्चन ये आ रही है कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं पहले से कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। इस स्थिति में आप कह सकते हो कि सर ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो याद कीजिए, तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि चलो बताओ तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन हो सकता है, तो आपने कहा सर 1/1 हो सकता है, हाँ सर बताओ तो रो और कॉलम सेम है, हाँ हम कहेंगे 2/2, हाँ सर ये भी हो सकता है क्योंकि रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है सर, सेम है। यहां बताओ तो 3/3 और क्या हो सकता है 4/4, ऐसे हुआ बढ़ते जाएगा। लेकिन जान के आपको खुशी होगी कि ज्यादा ज्यादा किस्मत हुई है, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर डिटरमिनेंट आप पूरे का नहीं डिटरमिनेंट निकालते हो, आपको इन्हीं तीन टर्म का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी 1/1, 2/2 और 3/3। अब बात करें सर डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, तो डिटरमिनेंट को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इस डेल्टा के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा डेट ए के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा क्या हो गया मॉडुलस ए। इस प्रकार से हम समझें कि डिटरमिनेंट क्या होता है। अब हमको समझना होगा कि सर आखिर में हम कैसे अब सबका वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, तो लाइन बाय लाइन एक एक करके समझते हैं दोस्तों, कहीं वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, कसम खाना है। जब कसम खा लिए, एक बात बताइए, अगर आपने इस ये निश्चय किया कि हमको अच्छे से अच्छे स्कोर करना है, हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको बेहतर स्कोर करना है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें बाद में ऐसा ना लगे काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते, क्यों ना अभी मेहनत हम लोग बहुत अच्छे से कर लें। तो सर अब सबसे पहले आ रही है एक बात कि सर वैल्यू निकालना हमको बताओ, तो हम कहें कि हाँ हम वैल्यू निकालेंगे वह तीनों का निकालेंगे 1/1, 2/2 और 3/3। तो सबसे पहले बात आ रही है ऑर्डर 1/1, चलिए इसको हम समझते हैं ऑर्डर 1/1 का हम वैल्यू सर कैसे निकालते हैं। तो सर पहले आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, चलो इसमें बताओ तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो सर 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, अब तो हम कहेंगे बताओ इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो कहोगे 1। सर एक काम एग्जांपल दीजिए ना सर, तो जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैसे, जैसे एग्जांपल ए बराबर आपको दिया है 7 दिया, देखो मॉडुलस से है ना, मॉडुलस आ गया, क्या समझो डिटरमिनेंट आ गया। अब कह रहा है हुआ कि डेल्टा निकाले, तो डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट निकाले, क्या निकाले डिटरमिनेंट। तो एक बात ध्यान देना बाबू,
कि डिटरमिनेंट 1/1 का निकालते समय एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये भला मॉडुलस होता है लेकिन यहाँ मॉडुलस का प्रॉपर्टीज लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहता -7, क्या है -7, अब अगर हम पूछ रहे हैं कि डेल्टा का मान क्या होगा तो कहोगे सर यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस डेल्टा से बाहर माइनस निकलता है तो क्या बन जाता है प्लस। नहीं बाबू ऐसा गलत से भी मत सोचना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत होता है। यानी समझना इस बात को कि ऑर्डर 1/1 का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो जो क्वेश्चन होता है वही आपका क्या होता है आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछ दिया है कितने बार, तो इसका बताओ तो डेल्टा का मान कितना हो गया -7। फिर से चलो पूछते हैं, बताओ तो अगर बी का मान दिया है आपको -6 दिया है, अब बताओ तो डेल्टा का मान क्या होगा। अब डरोगे नहीं सर, अब तो सीख गया सर इसका आंसर क्या होगा -6। वेरी गुड, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, यानी क्लियर बात क्या पता चला कि सर 1/1 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जो दिया रहता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। अब हम बात करते हैं बाबू कि ऑर्डर 2/2 का हम कैसे निकालते हैं सर, ऑर्डर 2/2 का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं सर, और इसे कहां तक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझना, पहले ऑर्डर 2/2 को पहचानो, यानी सर इसमें रो भी कितने होंगे 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2। तो जैसे यहां देखो ए बराबर आपको दिया है 7, 6, 2, 9। एक बात बताओ तो हुआ, यहाँ पे आपको देखो तो कितने रो है, तो कहोगे सर 2 रो है, कितने कॉलम है, तो सर 2 कॉलम है, बताओ तो इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। हाँ सर अब समझ गए सर, 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना अब सीखना है सर। तो देखो हुआ 2/2 का, जब एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 2/2 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो जानते हो क्या करना, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको आप बोलते हो तिरछा तिरछी गुना दिहाद में। देखिए यहाँ पे तो डेल्टा पूछ रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है डिटरमिनेंट। तो जैसे यहां से निकालोगे तो क्या करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 में 7 से गुना करो, तो 9 में 7 से, और बीच में क्या दोगे माइनस। बीच में हमेशा याद रखना बुआ क्या आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, क्यों आएगा इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। बीच में क्या आएगा माइनस, और 6 में किससे करेंगे 2 से। अब 6 में किससे करेंगे 2 से सर, इस प्रकार बताओ तो 9 से 63 -6 × 12 जब आप घटाते हो तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 11 5, आपका आंसर कितना निकल गया 51। समझ में आया, फिर से समझो हुआ, इतना क्लियर हो गया सर कि 2/2 का निकालना तो कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एक जल्दी से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है देखना, यहाँ पे 7, 2, 4, 6 दिया है, इसका मान निकालना है, निकाल दोगे डेल्टा का मान, हाँ सर निकालने आ गया, इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई सच है 42, बीच में क्या देंगे माइनस। अब 4 में किससे करेंगे 2 से, 4 × 8 42 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 34 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 34, यही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, इस प्रकार से हमने ऑर्डर 1/1 और 2/2 का मान निकालना आसानी से सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि ऑर्डर 3/3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जल्दी से इसको कॉपी पेन लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, इसको नोट करो, तब तक के लिए यहां से इसको नोट करो जल्दी से आप लोग। चलिए दोस्तों, अब जैसे कि अभी हमने सीख लिया कि ऑर्डर 1/1 कैसे निकलते हैं, ऑर्डर 2/2 कैसे निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जल्दी से समझ लेते हैं कि ऑर्डर 3/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि अब अगर आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा, बताओ तो यहां से कि इसमें बताओ तो रो कितने हैं, तो कहोगे सर रो भी इसमें 3 होंगे, कॉलम कितने होंगे, कॉलम में कितने होंगे 3 होंगे, यानी पता चल गया सर ऑर्डर 3/3 का मतलब क्या होता है, यानी इसमें रो भी 3 होंगे और कॉलम भी क्या होंगे 3 होंगे। तो जैसे एग्जांपल देखो यहां से दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आई ध्यान दीजिएगा, 1/1, 2/2 और 3/3 तीनों का वैल्यू निकालना है, जो आपको मेहनत करना है वो ये 3/3 का वैल्यू करना है। तो देखो 3/3 में आपको बहुत तरीके से आप आंसर निकालोगे, लेकिन ये जो होता है ना इसको आप लॉन्ग अप्रोच से आप में आंसर निकालोगे। तो अभी फिलहाल इसको कॉन्सेप्चुअल देखिएगा, जैसे ए बराबर आपको दिया है 7, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, अगर बताओ तो हुआ इसका ऑर्डर इसमें कितने रो है, तो सर इसमें रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं सर कॉलम भी 3, बताओ तो ऑर्डर 3/3 आ गया। तो सर अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा सर, आप बताइएगा तब तो हम सीखेंगे। तो हाँ हुआ, हम देर नहीं करेंगे, अगर आपको डेल्टा पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे,
इसी बात को आपको ध्यान देना है बउआ कि आप जिस एलिमेंट को लेते हो, जिस एलिमेंट को लेते हो उसका रो और कॉलम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मेरी बात समझना, आप जिस एलिमेंट को लोगे उसका रो खत्म और इधर कॉलम खत्म, जो बच गया वही उसका देखना। जैसे यहां से आप इस रो को पूरे को एलिमेंट को लेना चाहते हो तो इस सेवन लिए तो सेवन कहां गया, बाहर आ गया। सेवन कहां गया, बाहर। सेवन कहां जाएगा, बाहर। अब जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो खत्म और उसका कॉलम यानी रो सामने वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या बच गया बताओ तो सर, 4, 2, 2, 1 यही तो बच गया सर। तो कहे वाह, तो बहुत कुछ सीख गया आपने, तो बहुत तेज होता। तो देखो क्या टेंशन लेते हो, बी अल्टरनेट चलेगा, यहाँ प्लस दिए यहाँ क्या देंगे माइनस, ये भी पता चलेगा कि कैसे हो रहा है सर माइनस। अब क्या लीजिएगा, थ्री लीजिएगा। थ्री को जब आप बाहर फेंकोगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बच गया बताओ तो 1, 2, 1, 1। इसी प्रकार माइनस के बाद अब क्या आएगा, प्लस। अब बाहर कौन जाएगा, 2, तो 2 बाहर जाएगा, तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। यानी देखो कैसे हो रहा है, जिस एलिमेंट को ले रहे हो इसके सामने वाला ये खत्म और नीचे वाला खत्म, क्या बच गया 1, 4, 1, 2, यानी 1, 4, 1, 2। अब हुआ, इसके बाद तो आपने अभी मान निकालना सीख लिया ना कि सर इसके बाद तो निकालना सर ऑर्डर 2 by 2 कैसे निकलता है, तो 7 को बाहर रहने दो, इधर सॉल्व कर दो, 4 एकम 4, बीच में क्या माइनस, 2 दूना 4 हो गया, कोई दिक्कत, बीच में क्या देंगे माइनस, 3 चच्चा है, चच्चा जी को भी बाहर ही रहने दो। अब बताओ तो 1 में 1 से करोगे तो क्या होगा 1, बीच में क्या दे माइनस, 2 एकम 2, बहुत अच्छा, प्लस 2 को बाहर करो। मैं शांत में कैलकुलेशन करो, आप शांत मत बैठो, देखो मुंह में दही नहीं जमा के बैठना है। 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4। अब एक बात बताओ हुआ, यहाँ 7 ठीक है सर, 4 में 4 गया 0, माइनस 3 ठीक है सर, 1 में 2 गया -1 सर, अब प्लस 2 ठीक है सर, 2 में 4 गया -2, गुणा करने आता है हुआ, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, ये तो खत्म सर, 3 में से 4 जाएगा, आपका आंसर कितना हो गया -1। समझ में आया, केवल इसी बात को ध्यान देना हुआ कि जिस एलिमेंट को लेना है उसका रो खत्म और कॉलम खत्म, मतलब इधर सामने वाला रो खत्म नीचे वाला कॉलम खत्म, इसी तरीका से हम निकालते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे जल्दी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए, चल जल्दी से समझते हैं, वो टेंशन नहीं लेना है, सीख लेना है सर, आ गए हैं यहाँ तो सीख के ही जाना है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे बुला के बिरयानी तो खिलाएंगे नहीं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है जैसे 7, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 5 ये दिया सर, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हम कहे सर अब हमको दिक्कत नहीं होने वाला है, अब आप लोग समझाओगे बुआ, सिखाओ, डेल्टा का मान पूछ रहा है, यानी क्या सर, हम जिस रो या जिस कॉलम को लेंगे सर उसका रो खत्म और कॉलम, जैसे मान लीजिए 7 को लिए, एक ही रो को टच करना हुआ तो 7 को लिए तो ये क्या, ये रो बताओ तो हुआ, ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम क्या बच गया 2, 1, 3, 5, तो लिख दो 2, 1, 3, 5 हो गया, बीच में क्या देंगे अल्टरनेट, बीच में क्या देंगे माइनस, क्या आएगा माइनस, और कौन बाहर जाएगा, बाहर जाएगा 2, कौन जाएगा बाहर 2। अब बताओ तो हुआ, इसके लिए ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म यानी सामने वाला खत्म, क्या बच गया 3, 1, 4, 5 एंड 3, 1, 4, 5, बीच में अब क्या देंगे बताओ तो जल्दी, यहाँ बीच में सर प्लस देंगे, अब कौन बाहर आएगा 1, तो अब बताओ तो 1 बाहर करो तो रो खत्म ये कॉलम खत्म, क्या हो गया 3, 2, 4, 3। इसकी बात तो तुम भल्ला समझ कर चाट जाओगे, जैसे क्या करना है इसको बताओ तो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर निकालना है, 5 दूना 10, बीच में क्या देंगे माइनस, 3 एकम 3, इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों ये 2 by 2 को जल्दी से अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि 2 by 2 पे ही आधारित है आपका 3 by 3। अब बीच में -2 को बाहर रहने दो, 5 3 15, माइनस 4 एकम 4, अब प्लस 1 को बाहर रहने दो, 3 3 9, माइनस 4 दूना 8, अब बताओ तो वह 7 बाहर है सर, 10 में से 3 गया 7, माइनस 2 बाहर है सर, 15 में से 4 गया 11, प्लस 1 बाहर है सर, 9 में से 8 गया 1, यानी 37 49, माइनस 11 दूना 22, अब प्लस 1 एकम 1। वो आज जानते हो ना, सेम जाति वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अब उल्टा सीधा मत समझ लेना, सेम जाति यानी 2 एक जात होता है प्लस और माइनस, यानी 49 और 1 50, माइनस 22 घटाओ तो कितना बचेगा रे, कितना बचेगा 28 बचेगा, कितना बचेगा 28, ये तो हो रहा आंसर हो गया, समझ आ गया। इसी तरीके से अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सर डिटरमिनेंट में हम देखते मात्र कैसे आंसर दे देंगे, इसको समझेंगे। तो फिलहाल इतना तक नोट करो, आप अपना अगला एक
एक एक्सरसाइज पहला जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।